हेलो एवरीवन, आई एम यास्मीन एंड आई एम हियर टू स्पीक ऑन डोरी। क्या होता है ये दहेज? क्यों रिश्ते जोड़ने के लिए डिमांड किया जाता है? आज मेरा कुछ सवाल है सिर्फ उनसे जो डिमांड करते हैं। जीवन साथी की ज़रूरत तुमको भी है, फिर तुम्हारी तरफ से ये दहेज की डिमांड क्यों? हर पेरेंट्स को अपनी बेटी के लिए अच्छा जीवन साथी चाहिए, उसी तरह तुम्हें भी अपनी फैमिली के लिए अपने लिए एक अच्छा जीवन साथी चाहिए, फिर तुम्हारी तरफ से ये दहेज की डिमांड क्यों? जिस नौकरी के आधार पर तुम इतना डिमांड करते हो, क्या वो तुमने लड़की के लिए की थी? नहीं, वो तुम्हारा सपना था, तुम्हारे फैमिली का सपना था, फिर तुम्हारी तरफ से ये दहेज की डिमांड क्यों? क्यों तुम डिमांड करके भी शान से रहते हो और लड़की के घर वाले हाथ जोड़कर सर झुकाकर रहते हैं? क्यों क्यों? तुम अपने पेरेंट्स के बिना 4 दिन नहीं रह सकते, ना कभी सोचा होगा। फिर सोचो, एक लड़की अपनी पूरी लाइफ उन्हें छोड़ के आती है, तुम्हारा वंश बढ़ाती है, फिर तुम्हारी तरफ से ये दहेज की डिमांड क्यों? सब कुछ होते हुए भी तुमको दहेज चाहिए, क्यों क्यों? एक पिता अपनी बेटी को देता है, विदा करता है, उससे ज़्यादा और क्या चाहिए तुम्हें उस पिता से? क्यों करते हो डिमांड? क्यों चाहिए तुम्हें दहेज? क्यों? बदल दो अपनी सोच को, बदल दो दहेज की प्रथा को, बदल दो इस समाज को। जय हिंद, जय भारत।